ओम नमो रियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्जायणम, ओम नमो लोभ सर्वसाहनम, एसो पंचनमकारो सर्व पापो प्रणाशनम, मंगलाणम च सर्व विसे। मां जी देख लीजिए, ये गहने आपने मुझे दिए थे, मेरे अलमारी में जितने भी गहने थे मैंने इसमें रख दिए। नहीं, कल को आप ये कहेंगे ना मुझे कि मैंने चोरी की है। वैसे भी इस घर में मुझे और प्रशांत को चोरी समझा जाता है। माँ जी, बहुत जल्द हम इस घर को छोड़ के चले जाने वाले। कल को बिनीता के बच्चे आएंगे तो उसके बच्चों के सामने मेरे बच्चों को चोर कहा जाएगा। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है माँ जी, लेकिन अपने बच्चों को कोई दुख दे ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिवाय आपके। वैसे आपसे ये सब बातें करके क्या फायदा माँ जी? आपने कभी प्रशांत की तकलीफों को समझा है? प्रशांत को जब भी ऑफिस में काम दिया गया हो वो तो प्यून से भी बदतर होता था। जब भी उसने सम्मान मांगा हो तो कहा जाता था कि जाओ पहले काम सीख कर। जैसे आदमी पैदाशी काम सीख कर आता है ना। और रितेश, उसके साथ तो कभी ऐसा नहीं किया गया। प्रशांत ने 7 साल ऑफिस में काम किया लेकिन उसके लिए कभी भी बिजनेस नहीं शुरू किया गया। और रितेश के लिए 2-3 साल में इंडस्ट्री डाल दी। अरे, जिस आदमी पर भरोसा ही नहीं किया जाए वो अपनी काबिलियत दिखाए तो कैसे दिखाए? फरियाद की तो हम बुरे बने। हाँ जी, इस तरह आपने तो हमें रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन क्यों? क्या प्रशांत भिमानी परिवार का नहीं है? क्या पारिक अंकल को भी इसी तरह एक रात में फैसला करके निकाल सकते हैं? बताइए ना आप मुझे। नाइंसाफी, सिर्फ नाइंसाफी ही है प्रशांत के साथ। अगर एक आदमी कुछ करना चाहे तो कर भी कैसे सकता है जब सभी लोग उसके खिलाफ हो? बस सब लोग एक ही रट लगाए रहते हैं कि आदमी झूठा है, झूठा है, झूठा है, तो उसकी हर बात झूठी ही लगेगी ना माजी। किससे जाके इंसाफ मांगे हम? माँ जी, आप बस पूजा करती रहना, जिसे प्रशांत आपका बेटा नहीं गोद लिया गया हो। अगर हमसे गलती भी हुई है माँ जी, तो हमारी एक गलती की इतनी बड़ी सजा? माँ जी, आपने हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरह खत्म कर दिया है। माँ जी, घर के कुत्ते को भी घर से बाहर इतनी जल्दी नहीं निकाला जाता। आप जो हमारे साथ कर रही है आप वो किसी और के साथ कर सकती है माँ जी? बताइए ना, सबकी गलती गलती और हमारी गलती गुना। नीचे शिखा, तुम्हारी शादी के वक्त मैंने तुम्हारी मां से कहा था मैं बेटी लेकर जा रही हूं अपने घर। तुम मेरी बेटी हो, तुम ये घर छोड़ दो यही ठीक रहेगा। मैं भी ये घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल आऊंगी। बच्चों के कान पकड़े जाते हैं गलती होने पर, कान काट लिए नहीं जाते। और ये बात जब तक तुम्हारे पापा जी की समझ में नहीं आएगी मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी।